सोलन में लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल लॉक हो चुकी है। व्यापारी वर्ग बेहद हताश और परेशान है। जो लोग बाहरी राज्यों से आकर सोलन में व्यवसाय कर रहे थे, उनका व्यवसाय चौपट हो चुका है। वे अपने व्यवसायिक संस्थान खाली कर चुके हैं। जगह जगह पर टूलेट के बोर्ड नजर आ रहे हैं। जो अभी लोग व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, टीवी का खर्च, स्कूल की फीस, घर का खर्च आदि आने वाले दिनों में कैसे निकलेगा और कैसे उनका गुजारा बसर होगा, यह मध्यम वर्ग के व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि व्यापारी व्यवसाय ना चलने की वजह से अपनी दुकानें खाली करने पर मजबूर हैं। शहर में कई स्थानों पर टूलेट के बोर्ड देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर युवाओं ने कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन व्यवसाय बंद होने की वजह से किश्त निकालनी मुश्किल हो गई है और किराया लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने दुकानों को बंद करना ही उचित समझा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजना बनाई है और उन्हें आर्थिक पैकेज भी दिया है, लेकिन मझोले व्यवसायियों के लिए कोई भी योजना नहीं है। बात रही दुकानदारों की और उनकी बिजनेस और व्यवस्था की, बड़ी दुख की बात है भी आज हमारे कुछ दुकानदार भाई इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए अपने बिजनेस को सकारात्मक रूप नहीं दे सके। इस वजह से उनकी माली हालात जो है वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। कई दुकानदार भाई जिन्होंने अभी तीन तीन चार चार महीने से ही अपने बिजनेस को शुरू करा था, बैंकों से लोन लेकर, अपने घर के जेवरों को गिरवी रखकर, अपने माँ बाप से अपनी हेल्प लेकर, जैसे ही उन्होंने दुकानें शुरू करी, इस वैश्विक महामारी का सामना उन्हें करना पड़ा। अब उन्हें दुकानदारी संचालित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। भी मध्य वर्गीय परिवार जो है ना किसी से मांग सकते हैं और ना ही अपना दुखड़ा किसी के सामने रो सकते हैं। ये बहुत दुखद परिस्थिति है हर परिवार के लिए, खासकर मीडियम क्लास लोगों के लिए। मीडियम क्लास लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। सरकारों की तरफ से इस विषय में अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है भी मीडियम क्लास लोगों के लिए भी कुछ सोचा जा सके। जितने भी अभी तक फंड घोषणा हुई है, उन फंड घोषणाओं के अंदर किसी भी प्रकार का मीडियम क्लास और मीडियम तबके के लिए कुछ भी नहीं इसमें दिख रहा है। वो भी आज तक घोषणाएं हुई, आप उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्ग है। कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से मध्य वर्ग को कोई भी राहत नज़र कहीं नज़र नहीं आ रही। दुकानें खाली हो रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खर्चे तो वैसे ही हैं, किराए भी देने पड़ेंगे, बिजली का भी आएगा, जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और कमाई है नहीं, दुकान बंद है। अगर खुलती भी है तो लोग बाहर आने से डरते हैं और किसी प्रकार का कारोबार नहीं हो रहा है। सरकार को ये चाहिए कि व्यापारियों के लिए भी, छोटे कर्मचारियों के लिए भी और जो दुकानों पे छोटे लोग काम भी करते हैं उनकी भी रोजी रोटी पे संकट है। जो दुकानों में कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी रोटी रोजी पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि खर्चे वैसे ही हैं, बिजली का भी, सारी चीज़ों का खर्चा वैसा वैसा है, कर्मचारियों का खर्चा वैसा है। तो सरकार को चाहिए कि जहाँ पे राहत पैकेज की घोषणा कर रही है वो छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे लोगों के लिए भी किसी प्रकार की राहत दे। जो खर्चे हैं, जो ब्याज है बैंकों का, उसका ब्याज तो माफ़ करे, सरकार के बिजली के बिल में राहत दे, कटौती करे, पानी के बिल में कटौती करे। हम ये नहीं कहते कि भी ख़त्म ही कर दे, हम ये कहते हैं कि कटौती करे, किसी प्रकार की राहत सब्सिडी के तौर पर सरकार दे, ताकि जो उनकी हालत आर्थिक हालत बिगड़ी है वो पटरी पे लाने की कोशिश वो भी करें और सरकार भी करे। सरकार का योगदान बहुत ज़रूरी है और सरकार को चाहिए कि शीघ्र ही कोई मध्यम वर्ग के लिए भी किसी प्रकार की आर्थिक पैकेज की घोषणा करे और ताकि वो अपने घर की अर्थव्यवस्था, घर का खर्चा चला पाएं। तो ये कोरोना जैसी जो महाविनाशक बीमारी है, लोग इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए। जो कुछ लोग बाहर से जिन्होंने अपनी कोई दुकानें किराए पे ली थी और अब वो उसको खाली करके जैसे अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं,
जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आज ये चाह रहे हैं, चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो बाहर से जो काम करने वाले लोग थे, वो आज अपने घर को पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से ये थोड़ी बहुत जो कुछ शॉप्स हैं जो खाली हुई है उस पर टूलेट के बोर्ड लगे। दूसरी बात ये है कि अभी बाजार में जो बिजनेस होता था, जिस तरह का बिजनेस होता था, वो बिजनेस अभी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा उसको, उस बिजनेस को लाइन पे आने के लिए। प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन भी इस और पूरा अपना ध्यान रखे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे बाजारों में ना घूमें, उनके ऊपर प्रॉपर चेक रहना चाहिए, ताकि ऐसे अगर कोई होम क्वारंटाइन के अंदर में आदमी है और वो बिना वजह हमारे बाजारों में आ रहे हैं तो उससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो प्रशासन को इसके ऊपर पूरा चेक रखना चाहिए कि जो होम क्वारंटाइन के अंदर में जो व्यक्ति है वो उसका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा जो सतर्क रहने की अभी व्यापारी वर्ग को जरूरत है। कि अभी जो हम मार्केट की बात करें, अपने बाजारों की बात करें, तो जो काम हमारे पास रूटीन में हुआ करता था, जैसे वो 100% था, तो उस काम को देखते हुए आज बाजारों के अंदर 15% भी काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है, 85% का जो गैप है बहुत बड़ा गैप है। उसमें कुछ ऐसा है कि जैसे सोलन का जो बड़ा बाजार है, इसमें आसपास के गांव के लोग और इधर के लोग जो आया करते थे खरीदारी करने के लिए, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी बंद है और इसके बंद होने की वजह से वो ग्राहक हमारे बाजारों में नहीं आ पा रहे और हमारे दुकानदारों के पास वो सेल नहीं है जो सेल हुआ करती थी। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा, लेकिन ठीक है, प्रशासन और सरकार अगर इसके और ध्यान देगी और जिस तरह से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चलना, अगर कोरोना ना फैले, इस ढंग से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर चलती है, तो मुझे लगता है कि जो आसपास के लोग, जो गांव वगैरह के लोग हैं जो बाज़ारों में खरीदारी करने आते हैं, कस्बों के लोग खरीदारी करने आते हैं, वो बाज़ार में आना शुरू हो जाएंगे और आस्ते आस्ते व्यापारी का काम जो है वो बढ़ना शुरू होगा, पटरी पर आना शुरू होगा।